हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू स्वागत करती हूँ आप सभी का माई किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बटर मलाई पनीर। कढ़ाई को गरम करेंगे, इसमें डालेंगे बटर, साथ में मैं डाल दूँ यहाँ पे घी। इसमें डालेंगे जीरा, लाल मिर्च, दालचीनी, जावित्री, फूल चक्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, आपके पास जो भी गरम मसाले हो खड़े वो आप डाल सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे काजू, अदरक और लहसुन। इन सभी चीज़ों को हल्का सा भूनेंगे। इन सभी चीज़ों को भूनते हुए कुछ सेकंड भूने हैं। मैं इसमें डालूंगी रफली चॉप काटा हुआ प्याज। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हमें इतना भूनना है कि ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। प्याज को भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। प्याज हल्का भून चुका है। अब मैं गैस को ऑफ करके इसे बर्तन में निकाल लूँगी और ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी में पीस लूँगी। जिस कढ़ाई में प्याज भुनी थी उसी कढ़ाई में मैं पनीर को सेलो फ्राई कर ले रही हूँ। फ्रेंड, मार्केट का पनीर है इसलिए मैं इसे सेलो फ्राई कर ले रही हूँ। अगर आपके पास घर का पनीर हो तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। अभी बिना फ्राई किए हुए पनीर हल्का सेलो फ्राई हो चुका है। अभी से मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे बटर। फिर से बटर मलाई पनीर है तो यहाँ पर बटर को दिल खोल करके डालेंगे। और थोड़ा बटर डालने से थोड़ा हैवी हो और हेल्दी ज़्यादा रिच हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा घी भी डाल दे रही हूँ। अब इसमें डालूंगी जीरा, हरी मिर्च तीन ले ली हूँ और तेज पत्ता। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच। मसाले हल्के भुन चुके हैं। अब मैं इसमें डाल लूँ कश्मीरी मिर्च और गरम मसाला आधा आधा चम्मच। साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 3 बड़ा प्याज ली थी और शिमला मिर्च 2। इस तरह से बड़ा बड़ा काट करके इसे और इसमें डाल करके भूनेंगे 2 से 3 मिनट। अब मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। नमक पहले भी डाल चुके हैं जब प्याज भून रहे थे उस समय, तो उसके हिसाब से अपना देख लीजिएगा कि नमक कितना डालना है। जो प्याज और खड़ा गर्म मसाला ये देखिए पीस ली थी, अच्छा सा इसका पेस्ट बना चुकी हूँ, तो इसमें डाल करके इसे कुछ देर तक भूनूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पर मैं बैटर और डाल दे रही हूँ। मसाले को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो चुका है। मैं इसमें पनीर ऐड करूंगी। इसमें डाल दूं पनीर, इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा चीनी आधा चम्मच,
हल्का सा चीनी डाल देने से इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाता है। यहाँ पर मैं ले रखी हूँ आधा कटोरी मलाई है, तो इसे भी इसमें डाल देंगे। ट्रेन से सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है, ख़ासतौर से बच्चों को तो काफ़ी पसंद आती है सब्ज़ी, और बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी भी है। इसे ढक करके कुछ देर पकाएंगे। और यहाँ पर जो मैं मसाला पीसी थी प्याज, उसमें पानी डाल करके हल्का सा ग्रेवी को थोड़ा पतला कर लेंगे ताकि ये पके तो पानी और सूख जाएगा। इसे 5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुका है और कितना बढ़िया बटर मलाई बनकर के तैयार हो गया है। ये देखिए घी ऊपर तैर रहा है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसमें डालूंगी हरा धनिया का पत्ता। ये देखिए कितना बढ़िया इसकी थिकनेस है, इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है। ये देखिए फ्रेंड, कितना बढ़िया यम्मी डिलीशियस एकदम से बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरा बटर मलाई पनीर बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।